आप देख रहे जनमत आवाज, गोलीकांड का पर्दाफाश। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के नारिया पेट्रोल पंप के पास हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने किया पर्दाफाश। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में ही रहने वाले युवक ने अपने हाथ से बंदूक चलाकर अपने पैरों पर गोली मार ली थी, लेकिन उसने मनगढ़ंत कहानी रचने के बाद लूट की घटना होना बताया। जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो युवक ने खुद अपने आप गोली मारना बताया। फिलहाल घायल युवक के पैर में से ऑपरेशन करने के बाद गोली निकाल ली है। खकनार थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि इस तरह अवैध हथियार रखने के मामले में युवक पर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब आगे की जाँच की जा रही है। आइए देखते हैं। पांगरी फाटे के पास में खकना थाना क्षेत्र अंतर्गत अविन गायकवाड़ नाम का युवक जो है लगभग 22 साल का, जो ड्राइवरी का काम करता है, उसके द्वारा बताया गया कि एक सफ़ेद ब्रेजो कार में से जो है एक आदमी नीचे उतरा, उसके द्वारा उसको गोली मारी गई। जब घटना की तफ्तीश की गई, आसपास के लोगों के बयान लिए गए और जो डॉक्टर की रिपोर्ट और उसका एक्सरे देखा गया, तो लगभग ये चीज़ें स्पष्ट हो गई कि घटना जो है वो मनगढ़ंत है और इसके द्वारा जो है वो कहानी फर्जी बनाई गई है, जिसमें गोली का जो एंगल है वो ज़मीन की तरफ नीचे जाते हुए दिख रहा है। जब और सख्ती से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों के बयान लिए गए, तो ये तथ्य सामने आए कि जो प्रवीण गायकवाड़ नाम का युवक है उसके पास में एक अवैध पिस्टल थी। उसको जब वो कॉक कर रहा था तो उसके हाथ से गोली चली, उसी के पैर में चली गई। उसके द्वारा पिस्टल जो है वो अपने घर में ही आसपास में कहीं छुपा के रखी हुई थी। पुलिस के द्वारा उसको बरामद कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मामला कायम करके जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्यवाही भी करेंगे। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी इसके अंदर? सबसे पहले तो अवैध हथियार जो उसने अपने पास में रखा हुआ है, तो 25 के अंदर मुकदमा पंजीबद्ध होगा और साथ साथ में उसके द्वारा जो ये फायर वगैरह किया गया है, उससे मिसफायर जो हुआ है कॉक करते वक्त, तो उसके संबंधित भी कार्यवाही की जाएगी।